हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मनाली और आज डेट है एक, ठीक है। और हम आज जाएंगे तो कल तक पहुंचेंगे और आप हम सब दिखलाएंगे, तो आप वीडियो एंड तक देखना, ओके। और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हमें जाना है मजनूगढ़ टीला, क्योंकि हमने एक पैकेज बुक करवाया था ना, तो उसी में था सब कुछ, तो इसलिए वहाँ पर बस है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं यहाँ पर है, और यहाँ पर अभी बस खड़ी हुई है, पर हमारी बस नहीं है, तो बस में मिलते हैं आपसे, बाय। तो गाइज, अभी हम बस में आ चुके हैं और अब हम जाएंगे मनाली। ये तो हो गया या, मनाली जाएंगे हम, मजा आएगा। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बस दिला देती हूँ अपनी, ये हमारी बस। और गाइज, आपको पता है ये ना, पापा ने ना सरप्राइज दिया था दीदी को, हमें खुद नहीं पता था। 2 दिन पहले पता चला हमें, और दीदी का बर्थडे भी वहीं पे बनाएंगे हम, ये मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, ढाबा पहुँचे हैं, और अभी बस रुकी थी हमारी, तो इसलिए हम आए थे ढाबे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत जल्द में जाएंगे, तो सोना ही सोना है, उसमें कुछ नहीं है रात को, ठीक है। और जो भी होगा हम दिखला देंगे आपको, ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो, ओके। जदे बाय। तो गाइज, ये अभी दोबारा से बस रुकी है दूसरे ढाबे पर 11 बजे, और अभी हम जाएंगे इस ढाबे के अंदर खाना वाना खाने। वो अपने में चल रही है। रुक जा। और अभी तो हम मनाली में पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बस के अंदर, ठीक है। फिर सुबह ही मिलते हैं, अब बस जहाँ पर रुकेगी। ये नदी। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है 9:25, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट करेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लोकल टूर के लिए निकलेंगे आज। सो अब हम होटल आ चुके हैं। सो दिस इज़ आवर होटल हायर रेजेंसी इन मनाली, और ये रही हमारी फैमिली, और कार वगैरह खड़ी है, सामान लगेज वगैरह रखेंगे, अब होटल में थोड़ा स्टे करेंगे और फिर अपने लोकल टूर के लिए निकलेंगे। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। सो अब हम करेंगे होटल टूर। सो दिस इज़ आवर होटल, ये हमने पैकेज बुक करवा रखा था, उसी में होटल वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी सब कुछ था, मतलब एक में पैकेज करवा दिया था पापा ने, उसी में सब कुछ करना था। ये होटल है, हमारा ऊपर वाला रूम है, ऊपर फर्स्ट और सेकंड। चलो पहले टी पी जाए। तो होटल टूर तो थोड़ा बहुत करा ही दिया, अब चलो अब हम कराते हैं रूम टूर अपना। रूम टूर पहले बालकनी में दिखा देते हैं, व्यू मस्त आते हैं इस होटल से। यहाँ पर तो थोड़ा कुछ नहीं है, पर होटल के अंदर रूम में बहुत अच्छा व्यू है। तो एक मिनट ले। तो ये है बेडरूम, ये बेड है, ये सोफ़ा, ये टीवी, ओके। अब मेरा यश और मैं, आप दिखाते हो सबसे मेन व्यू, यहाँ का व्यू सबसे मेन है। ये देखो व्यू, यार बहुत अच्छा व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा व्यू यहाँ का। तो
अब मम्मी पापा के रूम में चलते हैं। ये मम्मी पापा का रूम है। ये देखो मम्मी पापा का रूम। हाँ ठीक है, हम देख, हमें समझ आ गया, बिल्कुल सेम है, बट व्यू अलग है, हल्का सा थोड़ा सा व्यू अलग है, हमारा वाला अलग था। एक मिनट इसकी खोलो। ओह अलग हो गया, मिल गया। तो वही वाला व्यू दिखा रही जो ये है मम्मी पापा के रूम का। हाँ हमारा साइड वाला रूम है, ये वाला। ये मेरे को देखने दे यार। तो अब हम करेंगे डांस। आज हम नहीं, आज पापा करेंगे डांस। आज हम जाएंगे लोकल टूर पे, लाइक वन विहार हो गया, हडिम्बा टेम्पल, मोनेस्ट्री, माल रोड, ये सब जाएंगे और फिर जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं हडिम्बा टेम्पल दर्शन करने। पहले तो हाँ, सबसे पहले दर्शन, फिर उसके बाद अभी आ गया है टेम्पल और अभी आपको हम दिखलाएंगे। दिखलाऊं दूर से? दिखलाऊं क्योंकि अंदर से तो शायद से मना करेंगे। देखो अब आ गए हम हडिम्बा टेम्पल। सो ये है पूरा व्यू। वाओ कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है इधर। ही अन्नू आ रहे पीछे से। ये हडिम्बा टेम्पल अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होते, इसलिए बाहर से ही देख लो आप। लोकेशन वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ की। और यहाँ पर ना बता खरगोश भी था, बहुत अच्छा लग रहा था वो। देखो ये रहा ये खरगोश, इतना बड़ा खरगोश है ना, जैसे नॉर्मल साइज़ का खरगोश होता है ना, उससे तो बड़ा ही था, बहुत क्यूट लग रहा था। और गाइस ऊपर तो सुबह सुबह तो इतनी धूप हो रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि माइनस मतलब कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर, पर अब टेम्परेचर कम सा हो रहा है, बहुत ठंड भी हो गई है इतने टाइम तक, पर व्यू इतना प्यारा है। बस ये खरगोश भी उतना ही प्यारा है। अन्नु खरगोश नहीं, और अन्नु एक खरगोश और ये दूसरा खरगोश, दोनों खरगोश खरगोश। हम सभी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं जैसा कि आप सब देख ही रहे हो। ये अब मैंने ले लिया, ये इतना क्यूट लग रहा है ना, मन कर रहा था ना कि घर पे ले जाऊँ इसको। पर ले जाने नहीं देते, पता है इसको पकड़ने के लिए 20 रुपये लेते हैं। वहाँ पर ना ऐसा है ना कि अगर रैबिट को लोगे और स्नैप करोगे ना क्लिक तो 20 रुपीज़ लगेंगे, और अगर किसी और ने भी लिया तो फिर उसको भी 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपीज़ चार्ज है उसका। सो ये देखो याक, इसके पिक करवाओगे, जैसे आप इसके साथ पिक करवाओगे तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और वो भी अपने खुद के कैमरे से। सो ये अलग टाइप के ही रसगुल्ले हैं, जो नॉर्मल साइज़ के रसगुल्ले बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे से हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगे ज़्यादा, बहुत गरम गरम था। तो गाइज अभी हम माल रोड पर आ गए हैं, ठीक है, ये रहा माल रोड। चलो अभी हम जाएंगे थोड़ा घूमेंगे। हाँ ये देखो यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी शॉल वगैरह कुछ भी। हाँ मतलब एक मार्केट सी है ये माल रोड। बहुत है सामान यहाँ पर सारा का सारा।
अभी दीदी वो खाएगी आग वाला पान। आग वाला पान इसी के साथ खाते हुए देखो, आग जलती हुई दिखाओ, वो खोल खोल क्या हो गया, सही है ठीक है। सो हम रास्ते में जा ही रहे थे तो मुझे ये आर्टिस्ट दिखे, इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे थे, सारी इन्होंने ही बना रखी है। और एक और बना रहे, देखो बहुत अच्छी आर्ट है, मस्त। सो अब हम आ गए वन विहार के इधर, मतलब वन विहार आ गए हैं। ये रहा वन विहार का गेट। तो अब हम जाएंगे, अब इसके अंदर जाएंगे। वन वन विहार यहाँ पर मतलब झूला वूले हैं, चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन पार्क है, ऐसा समझ लो आप, सही है। तो मम्मी और अन्नू भी झूला झूल रहे हैं, मैं भी झूलूंगी, पर ना बैटरी बहुत लो थी। बताओ मैंने कितने में व्लॉग बनाए, ये सिर्फ 10% बैटरी थी, उसमें मैंने वन विहार और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री दोनों का बनाया है व्लॉग। मैं भी वन विहार घूम के आए हैं, कुछ नहीं था, बस चिल्ड्रन पार्क था, मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल भी। सो गाइज अब हम जा रहे हैं मोनास्ट्री, मोनास्ट्री बोलते हैं उसको, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये है मोनास्ट्री, तो ये बुद्ध का मंदिर है, यहाँ पर सारे बुद्धिज्म लोग ज्यादातर जाते हैं, बाकी टूरिस्ट भी जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे मोनास्ट्री के अंदर, हम इसके अंदर जाएंगे मोनास्ट्री के अंदर। इसको मोनास्ट्री देखो, ये है मोनास्ट्री, इसके अंदर जाएंगे मोनास्ट्री, बुद्ध का मंदिर। और ज़्यादा मुझे नहीं पता इसके बारे में। सो ये अंदर का व्यू है मोनास्ट्री का, ये बुद्ध भगवान जी हैं। और हाँ, अगर आपको जैसे कि इनके साथ स्नैप लेनी है तो आप यहाँ पर भी 20 रुपये दो के तभी ले सकते हो, सब में 20-20 रुपये, पर एकदम यहाँ पर शांत रहना होता है। ये भी मोनास्ट्री के अंदर का ही है। ये आउटसाइड व्यू है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर ये भी मोनास्ट्री के अंदर ही थी। इसमें ना मतलब कुछ था, मतलब इसको ना घुमाना होता है, ये जो था मेरे को नहीं पता था। अच्छा, इसके राउंड होते थे ना, फिर वो घंटी बजती थी, अच्छा था। सो हम जो भी था आज का एक्सप्लोर करना था हमें मनाली लोकल में, वो हमने आज कर लिया था और हम घर पे आ चुके हैं। और देखो कितनी रात हो रही है, पर व्यू मेरे को होटल का बहुत अच्छा लगा सच्ची। तो गाइस यार इतने थक गया ना अब बहुत पूरा, अब हम डिनर करने जाएंगे, 8 बज गए हैं। और यहाँ पर तो 8 बजे भी ऐसा लग रहा है ना, सच्ची बताऊँ कि कम से कम 10-12 तो आराम से ऐसा लग रहा है। 12 बज गए हैं, पर व्यू और लोकेशन वाव, ऑसम लग रहा है, बहुत ठंडा है, बट बहुत ठंडा है, लेकिन बंद करो भाई जल्दी से, अब हम जाएंगे नीचे डिनर करने हम सब लोग। भाई थक गए बहुत, मेरे तो आँख में दर्द हो रहा है, नींद आ रही बहुत जोर की, 6 बजे से नींद आ रही है। पर मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे आज अपलोड करना है व्लॉग, फिर तक लेट हुए हुए। तो अभी हम डिनर करेंगे, फिर बाद मैं व्लॉग एडिटिंग करके पूरा अपलोड कर दूँगी, फिर आप लोग देखना। सो हम जा रहे हैं कैंडल लाइट डिनर करने, कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे कैंडल लाइट डिनर। कैंडल कैंडल लगा रखे सारे में, कैंडल कैंडल।
कैंडल लाइट डिनर यो सो ये सारा फूड स्टॉल था जिसके अंदर थी सैलेड, आलू गोभी की सब्जी, शाही पनीर और नान, दाल, चावल और सूजी का हलवा और ये सारे लोग लोग भी खाने के साथ मिले हुए थे नहीं मतलब ये सारे लोग और ये हमारा खाना जिसकी मैंने बूम रेंज बना ली थी, ये सब खाना खाया था। सो गाइज इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कल का व्लॉग देखना वो और भी अच्छा होगा। कल मेरा बर्थडे है तो अभी हो रहे हैं 11:42 और अब मैं ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगी तो कल वाला व्लॉग भी देखना, ये वाला व्लॉग पूरा एंड तक देखना और लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। ये ना आज सिर्फ लोकल टूर था ना, इस वजह से थोड़ा आपको पसंद ज्यादा नहीं आया होगा। अब कल हम जाएंगे सोलांग वैली और कल मेरा बर्थडे भी है तो कल वाला व्लॉग देखना, दो व्लॉग एक साथ आएंगे मिक्स होकर। हाँ, ठीक है। और मैं भाई बहुत थक गई फिर भी मैंने एडिटिंग किया, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है और गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।